बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट अनदर सेशन रोशनी का सफर। ये सीओ क्लब और मैनेजमेंट हाउस का एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसका थीम है इंस्पिरेशन एंड होप, क्रिएटिंग होप इन द पीपल। तो आज हम क्या करते हैं, रेगुलर हम एक किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, किसी सीओ को, किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेस लीडर को और एजुकेशनिस्ट को स्पेशली। तो आज के जो हमारे उस्ताद हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, आपस जेवानी साहब, ये डायरेक्टर जनरल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उसके फाउंडर्स में से हैं, बानियों में से हैं। हसन भाई के साथ इन्होंने बड़ा अर्सा काम किया है, जो कि फाउंडर थे ऑफ द UMT। तो वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आप हमेशा हमारी एक कॉल पर आ जाते हैं, और यू आर विजनरी गाय सर। पहले तो ये बताइए कि क्या लेसन्स लर्न किए आपने इस कोविड के अंडर, क्या क्या चीज़ें सीखी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त भी, पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपकी टीम को भी, और माशाल्लाह आपने कोविड को अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। सही है, और यही असल में हमारी स्पिरिट होनी चाहिए एज ए नेशन, एज ए मुस्लिम एंड एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, अगर देखें दो चीज़ें होती, जब किसी की जंग हो रही होती है ना, जो फातह होता है वो तब फातह होता है जब वो अपने अपोनेंट को डिसार्म करता है। ठीक, वो अपनी स्किल से करता है, या अपने सुपीरियर नॉलेज से करता है, या अपने सुपीरियर वारफेयर से करता है, स्ट्रेटजी से करता है, किसी तरह भी, लेकिन वो विन तभी करेगा जब अपोनेंट को डिसार्म करेगा, उसे लिटाएगा। बगैर लड़े नहीं हो नहीं सकता, यू हैव टू स्ट्रगल। कोविड पे कहा जाता था कि चाइना बगैर लड़े जंग जीत गया। हाँ, नहीं, उसने अगर उसका आप पूरा बैकग्राउंड देखें, और उन्होंने जिस तरह, बरहाल ये एक एग्जांपल है, हमें सबको फॉलो करनी चाहिए उसको। सही। और लिविंग एग्जांपल है, और वेरी हमारे रिसेंट उसने जैसे कोविड को कंट्रोल किया। लग रहा है कि जितनी उनके पास माशाल्लाह कैपेसिटी है चाइनीज के पास, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी है, अगर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट था जो उनके पास ही आएगी, अब तो आगे तो यूरोप आउट हो जाएगा सर। जब भी वो एक्सपोर्ट, उनकी कैपेसिटी एक्सपोर्ट, क्या चीज़ होती है एक्सपोर्ट? नॉलेज होते हैं, असल चीज़ है नॉलेज। अब उन्होंने ऑल वॉक ऑफ लाइफ में, नॉट ओनली आप एक लिमिटेड चीज़ पे कह दें, all walks of life they have lot of knowledge. Knowledge is power basically. आज के दौर का जो सबसे बड़ा हथियार है वो नॉलेज है, नॉलेज इकोनॉमी है आज के, नॉलेज वर्ल्ड का सामना, नॉलेज। हाँ, सब वी आर डिसेमिनेटिंग, वी आर लर्निंग, नॉलेज क्रिएटिंग द नॉलेज। हाँ, जितना ज़्यादा हम नॉलेज अटेन करेंगे, जिसको डिसेमिनेट करेंगे, उतनी तेज़ी से हम आगे जाएंगे। ये एक की है, कुंजी है, समझ। सर, सीखा क्या कोविड ने, क्या सिखाया? देखिए जी, कोविड ने जो सिखाया ये है, सबसे पहले जो सुपर पावर है ना, वो अल्लाह की ज़ात है, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसको हम भूल चुके थे। हमने कहा आबिशुरानी यूनिवर्सिटी बना ली है, बड़े फन्ने खाओ, हमने कोई टेक्सचर के मिल लगा लिए, बड़े फन्ने खाओगे, हमने कोई और कोई बिजनेस कर लिया है, बड़े लेवल पे चले गए, बड़े पन्ने खा होंगे। ठीक है, तो उस अल्लाह की ज़ात को हम कदरे भूल गए कि जिसने हमें ये इस्तेताद दी, जिसने हमें ये नॉलेज दिया, जिसने हमें ये एनर्जी दी कि हम इस लेवल पे आए हैं, हम उसको भूल गए थे। सबसे पहले कोविड ने तो ये सिखाया है हमें, कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है। तो ये जो चलाने वाले को जो हम भूलते जा रहे थे, उसने सबसे पहले उसको रिवाइव किया। मैं तो कोविड ने उसको, और हर सेक्ट ने, हर दीन ने, हर रिलीजन ने, हर इलाके ने, बस देखें, कोविड ने कहा कि जी SOPs बनाए अपने, मस्जिदें बंद कर दें, खाना काबा बंद कर दें, चर्चेज बंद कर दें, सिनागॉग्स बंद कर दें, मंदिर बंद कर दें, गुरुद्वारे बंद कर दें। है, ये किसने रियलाइज करवाया? न्यूयॉर्कर में एक बंदा
आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आया, वो जो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा जो मशहूर टाइम स्क्वायर है, वहाँ पे एम्प्टी रोड्स के ऊपर जो कि दिन रात जगमगाती हैं वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे कह रहा है कि ये हमें सज़ा मिली है कि हमने अपने खुदा को भुला दिया, हमने डेविएट कर दिया सब चीज़ों। ये एक न्यूयॉर्कर कह रहा है वहाँ पे, ये बॉन्ड है। उनकी कॉल्स देखी टू अल्लाह क्या गॉड क्या मैं गॉड इवन के बड़े बड़े जो ग्रुप चर्च स्पेशल प्रेयर वर्ल्ड स्पेशल प्रेयर बनाया था पहली दफा, अजानें देने की इजाजत दी गई, 9 डेज बना रहे थे वहां, प्रेयर डेज बना रहे हैं सर। स्पेन में जब से वहां से मुस्लिम्स को निकला आशा 500-700 साल पहले, उसके बाद पहली दफा उन्होंने ये इजाजत दी कि मुसलमान बुलंद बाग दहंग अपनी अजानें दें, खुदा को बुलाएं उसके लिए, है जी। बर्लिन के अंदर अजान दी गई लाउड स्पीकर्स के ऊपर, है जी। इटली में अजानें दी गई हैं इसके लिए। तो ये देखे ना, कोविड ने हमें पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि जिस अल्लाह को तुम भूल गए, जिस हस्ती को भूल गए, वो सुप्रीम पावर किसी के और है, तुम अपने रिमोट कंट्रोल पर बात रखो। एक ये जरसूमा जो है जो कि नॉन लिविंग भी है और दूसरा अनविजिबल भी है, इनविजिबल है, तो उसने क्या पूरी दुनिया को आगे लगा दिया। जबकि हमें इतने बड़े बड़े हम इदारे बनाते हैं रिसर्च के, पेंटागन है, स्पार्को है, है जी, वो किधर गए सब चीज़ें, उसने तहबाला कर दिया हर चीज़ को। उसने एक काम किया है, नेचर को भी रिवाइव किया है, नेचर को फैक्ट्री सेटिंग पे आगे सब, हाँ रिवाइव किया, ओजोन ओजोन ठीक हो गया। आप अभी देखे, मैं अभी आ रहा था तो मुझे इतना ग्रीनरी नजर आई, ज्यादा माशाल्लाह। हाँ, आपको आसमान ब्लू आसमान नजर आ रहा है, आपको रात को चमकते दमकते सितारे नजर आते हैं, ऐसे लगता है जैसे आप स्वात में खड़े हैं, स्वात में इतनी जरा पोल्यूशन कम होती है, तो इस तरह लगता है जैसे वहाँ पे आप किसी नॉर्दर्न एरियाज में चले गए, तो आपको तो वही चीज़ है। तो नेचर की भी रिवाइवल हुई है, नेचर को टाइम मिला, स्पेस मिला। तो ये कोविड ने जो चीज़ सिखाई ना, वो ये है, नंबर वन कि आप एक ये समझ लें कि जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह की ज़ात है, उसके अहकाम की पैरवी करो मैक्सिमम जितना हो सकता है। दूसरी चीज़, अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपने मींस में रहो। फिर तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आई है, वो कार्य खैर में हिस्सा लेना, जिन लोगों की वॉइस नहीं उनकी वॉइस बने, जो लोग डिप्राइव्ड हैं उनके साथ मिलें, होप फॉर द होपलेस, उनके साथ उनको स्केल अप करें, राइज करें, ये अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करें इसके लिए, दर्दमंदों से, ज़हीफों से प्यार करें। सर मुझे ये बताएं, ये आपकी माशाल्लाह की लर्निंग्स थी और तक कॉमेड, ये हर बंदे के पर्सनल उस सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिला कोई, अब शेरवानी को डिस्कस, ये आपने सारी एक्सटर्नल चीज़ें बताई हैं, मैं इंटरनल की तरफ आऊँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, अपनी जात के अंदर झांका, अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ को रिविजिट किया, तो अब शेरवानी की फिलोसफी ऑफ लाइफ रिविजिट करने के बाद क्या बनी सर? देखिए मैंने जो इस दौरान चीज़ों को अपने तौर पे जो लर्न किया, अपनी ज़िंदगी को लर्न किया, अपने इस जिस्म को लर्न किया, इसके अंदर क्या कुछ है, और मैंने अब तक जो मेरे 50 साल गुजरे हैं, मैंने अपने आप को किस तरह इस ह्यूमैनिटी को सर्व किया, तो एक बात तो यह है कि मैं अल्लाह का शुक्र बजा लेता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो एनर्जी दी, जो मुझे सलाहियत दी, वो मैंने अपने लिए नहीं रखी, मैंने उसको आगे पहुंचाया उसके बंदों तक, मैंने ह्यूमैनिटी को सर्व किया, और मैंने कभी इसके ऊपर कभी ये गुरूर नहीं किया कि मैंने किया, मुझे अल्लाह ताला ने दिया, मैं उतना नहीं दे सका जितना मुझे देना चाहिए था, इसके लिए एक बहुत छोटा सा पोर्शन मैं दे सका हूँ, और ये मैं गिल्टी फील करता हूँ अभी अपने अंदर कि हमें और इसको बढ़ाना चाहिए था, और ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए था,
नॉलेज को डिसेमिनेट करना चाहिए था। मेरे पास नॉलेज है, तो नॉलेज जो हाइड करता है ना, वो एक बड़े गुनाहों में आता है। सही। उस नॉलेज को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना चाहिए, नॉलेज शेयरिंग, उसको पहुंचाना। किताब कौन सी पढ़ी आपने? बहुत कुछ पढ़ा होगा सर। मैंने इस दफ़ा मैंने जो है ना, सबसे पहले किताब तो कुरान पाक का पूरा मुतालिया किया यकसुई के साथ। ये मैं काफ़ी अरसे से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो हमारी रमज़ान भी होते थे लेकिन वो बाद भी सब गुजर जाता था उसके अंदर, क्योंकि उस वक्त गहमा गहमी होती थी, क्लासेज ये वो एक्टिविटीज़। अफ्तार इस दफ़ा अफ्तार पार्टियाँ भी नहीं हो रही हैं, कि आना भी जाना भी नहीं हो रहा कोई ऐसे। तो एक चीज़ तो यह है कि मैंने कुरान पाक का मुतालिया किया। हाँ जी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली, क्योंकि कुरान पाक वो चीज़ है, जब भी आप उसका मुताला करेंगे आपको नई चीज़ें वो देता है, नई हदायत देता है, नई रोशनी देता है, नई एनर्जी देता है इसके लिए। तो मैंने कोई ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, मैंने उसी को पढ़ा। और इसके अलावा अपने तलफ़ुज़ को सही करने की कोशिश की। कुरान बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि हम गलत करते रहे, तो मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी किया कि हाउ टू प्रोनाउंस अरबिक वे में, उसको कोशिश की। तो क्योंकि अरबी एक बड़े ही ऐसे कि ज़ेर ज़बर पेश से भी आप इधर उधर हो जाएं तो उसके मतलब चेंज हो जाए, उसका मफहूम चेंज हो जाएगा। तो इसको चीज़ को सबसे पहले देखा। इसके अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इकोनॉमी की किताबें पढ़ी हैं मैंने। ऐसी किताब एक जो जो आप समझते हैं रिकमेंड करेंगे लोगों को, यार ये किताब आपने जरूर पढ़नी है। हाँ, मैंने ऐसा किया कि मैं आपको थोड़ा सा अपना एक वाक्य बताता हूँ कि मैंने 1989 में पंजाब यूनिवर्सिटी एज ए लेक्चरर ज्वाइन की। तो मुझे सब्जेक्ट पढ़ाने को मिला कि इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो जब वो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ाने लगे, तो क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, मैं एक बेसिकली साइंस स्टूडेंट था, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इकॉनमी में थोड़ा बहुत पढ़ा था, हमें प्रोफेसर सजाद मरहूम ने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी। लेकिन उस जब खुद पढ़ाने लगे तो मैंने फिर किताबें तलाश करना शुरू की। तो एक मुझे बहुत अच्छी बुक मिली, मैनेजमेंट इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, ये प्रोफेसर वकार साहब ने लिखी है। तो वो मैंने किताब पढ़ी, वो बहुत खूबसूरत किताब है। 1984 में वो पब्लिश हुई, 84-86 में पब्लिश हुई थी। लेकिन इजाज़ भाई, मैं जो आपसे बात करने लगा ना, इसमें एक दुख भी है। अच्छा। और एक मैं भी सोचता हूँ कि हमें जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, जितना हमने अपने मुल्क को आगे ले जाना था, वो नहीं ले जा सके। उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो कि मैंने आज से 30 साल पहले तकरीबन पढ़ाया, वो तकरीबन कम बेश हमारी इकॉनमी के वही फैक्ट्स एंड फिगर आ जाए। तो वो बड़ी खूबसूरत बुक है, उससे बेहतर बुक नहीं है जो आज से 30-32 साल पहले लिखी गई थी। बहुत से आई, लेकिन उससे उसने पाकिस्तान का जो सेक्टोरल एनालिसिस किया है इकॉनमी का, इकॉनमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे इंडस्ट्री का सेक्टर है, सर्विसेज का सेक्टर है, बहुत थॉरो स्टडी की उसके अंदर, और उसके अंदर वे फॉरवर्ड दिया उसके अंदर, और बड़ा कलेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के इस हवाले से, ग्लोबल पेंडेमिक तो चल ही रहा है बहुत बड़ा, तो अब साहब आप इसी वाले से भी बिफोर वी जंप टू द एजुकेशन पर, सब्जेक्ट बड़ा ज़रा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मुझ पर आना चाहूँगा, इकॉनमी की बात कर रहे हैं। सिर्फ मुझे बता दें कि पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हिट आई है, इम्पैक्ट आया है कोविड का, वो 3-4 ऐसे जो चैलेंजेस क्या हैं, और उसके अंदर कोई सिल्वर लाइनिंग, कोई अपॉर्चुनिटीज़ या वे फॉरवर्ड या फ्यूचर ऑफ इकॉनमी क्या है? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले ना 5-7 साल से स्ट्रगलिंग फेज में थी। कोई हम ऐसा उस पर, पिछले 2 साल में तो हाँ, हम उसमें कोई प्राउडली कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा हाँ था ही नहीं, था ही नहीं, ग्रोथ में डिक्लाइन है, एक्सपोर्ट में हाँ डिक्लाइन जा रहा था। अभी एक गवर्नमेंट ने यहाँ, इस वक्त गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गैप था वो कम किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट था ना, ये एक कामयाबी है, उसकी तरफ कम किया था, जो कि बेसिक एट द कॉस्ट। हाँ, लेकिन वो एक वो कॉस्ट देनी पड़ती है, जब आप भी कोई भी चीज़ करेंगे ना, तो आपको करेक्टिव मेजर्स, हाँ आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है, पेन महसूस भी होती है,
लेकिन ये एक बड़ी मैं समझता हूँ अचीवमेंट है, काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने अपना इतना डेफिसिट को कंट्रोल किया, वरना आप देखें हमेशा वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है कि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अयूब खान के ज़माने में लगा था, देखिए मैं उनको गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप में या उसमें नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये देखा है एज ए एनालिस्ट, आप फैक्ट एंड फिगर से बात करते हैं ना, जब इकॉनमी फैक्ट एंड फिगर्स का नाम है बेसिकली, उसमें एग्जिजेशन का नाम नहीं है उसके अंदर, उसमें आपको इम्पोर्ट है तो आपको पता चलेगा कितने डॉलर की इम्पोर्ट हुई है कितने डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है, वो आप उसको एग्जिजरेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट फिगर आएंगे उसके लिए। इस तरह से आपकी एग्रीकल्चर इकॉनमी है तो आपको पता होगा आपकी वीट की कितनी प्रोडक्शन रही है इस साल, पिछले साल कितनी थी, वो आपका पर हेक्टर रेट क्या रहा है, यील्ड, वो भी आपके सब चीज़ें आ जाएंगी। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीन जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया, अयूब खान फिर ज़ियाउल्लाह फिर मुशर्रफ, इन तीनों के दौर में हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर रही है। आप फैक्ट्स फिगर मैंने इस दफ़ा एनालिसिस किया है बैठ के ना, इस दफ़ा ये मुझे थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया ना इकॉनमी को मैंने स्टडी किया तो ये चीज़ें भी मैंने देखी सामने रख के, और जो इसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप के दौर थे वो भी देखे और डिक्टेटरशिप के दौर देखे, तो उसमें एनालिसिस यही आया कि इन तीनों डिक्टेटरशिप के जो हमारे पीरियड्स हैं हमने बहुत अच्छा एक्सेल किया। आज भी हमारा जो 60s का पीरियड है वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी के अंदर, हाँ उसमें यह था कि हमारा तकरीबन 10% ग्रोथ रेट रहा है जो कि वेरी हाईएस्ट था पूरे इसके अंदर। अच्छा दूसरी चीज़ यह है कि आजकल के दौर में करंट के दौर में देखिए पाकिस्तान का किसी हद तक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इसके लिए। अभी देखें इसमें नया जो जंप आ रहा है वो IT के एक्सपोर्ट का आ रहा है, हमारे पिछले 4-5 साल से IT मुसलसल हमारी उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, तो हाँ बहुत अच्छा चल रहा था उसके लिए और चलता रहेगा ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो बड़ा बाहिम्मत है, उसमें डिप्रेशन नहीं है, रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, हाँ रेजिलियंस भी है और फिर उसको आगे बढ़ के काम करने की भी है, पैशन है, अर्ज है उसके अंदर। उसके मैं दो एग्जाम्पल, अभी हमने एक हफ्ता 3-4 दिन पहले लास्ट फ्राइडे को पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कोविड के जो इम्प्रेशन है उसका एक सेमिनार करवाया, उसमें हमें 3 हमारे एंटरप्रेन्योर्स उसमें पार्टिसिपेंट थे, एक लाहौर से थे एक 2 सियालकोट से थे, उन दोनों ने कहा कि जी हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, एक ग्लव्स एक्सपोर्ट करते थे एक जैकेट्स एक्सपोर्ट करते थे और फैशन जैकेट्स और बड़ा अच्छी लेवल की उसके ऊपर जो इटली के अंदर फ्रांस में टॉप ब्रांड से उसको दे रहा था, हाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं बल्कि टॉप ब्रांड्स के अंदर था, फैशन ब्रांड्स के अंदर काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि जी जब ये मेरे पास मशीनें थी मैं कि यार ये मैं तो बंद हो गया, मेरे वर्कर्स हैं मेरी रोज़ी मैं तो चलो गुजारा कर लूँगा, लेकिन ये मेरा छोटा वर्कर जो दिहाड़ीदार है जो यहाँ पर जितने उसका गारमेंट्स बनाता था पीस बनाता था उसकी दिहाड़ी मिलती थी उसको, इसका क्या होगा, इसके साथ फैमिली है इसके पेरेंट्स हैं बच्चे हैं इसके भाई बहन कोई डिपेंडेंट है उसका क्या बनेगा। तो कहते मैंने इसको फौरी तौर पे कहते मैंने देखा कि ये जो मास्क पहन रहे हैं आप ये N95 मास्क और K95 मास्क और 3M ब्लेंड फ्रॉम, कहते मैंने वो लिया एक मास्क और अपने वर्कर के साथ बैठ के मीटिंग में कहते यार हम नहीं बना सकते, वो कहते जी क्यों नहीं बना सकते, कहते वो 2 घंटे बाद आए हमने बैठे हमने उससे अच्छा मास्क बना लिया जो वहाँ पे 1400-1500 का मिल रहा था वो हमने 60-70 रुपये में बना दिया। कहते अब सूरत हाल ये है वो $500 मिलियन के एक्सपोर्ट करता है बंदा, हाई फैशन गारमेंट्स बनाता था, उसने कहा कि मेरा एक मशीन अब 1 घंटे में 200 मास्क तैयार कर रहा है और जो गवर्नमेंट 1300-1400 रुपये की इम्पोर्ट कर रही थी मैं उसको 60-70 रुपये में दे रहा हूँ, मैं इसमें प्रॉफिट नहीं रख रहा, प्रॉफिट सिर्फ रख रहा हूँ मेरे ये जो एम्प्लॉज उनकी तनख्वाहें वगैरह निकल रही थी मैं सदका जारिया कर रहा हूँ और वो क्वालिटी जो WHO की है वो मैं मेनटेन कर रहा हूँ और देखें उसकी पूरी फैक्ट्री चल रही है। कहते मुझे इतने ऑर्डर मिल रहे मैं मीट ही नहीं कर पा रहा। इसी तरह जो ग्लव मैन्युफैक्चरर था सियालकोट में उसने बड़ी अच्छी बात कहते सियालकोट ने किसी बंदे को ले ऑफ नहीं किया फैक्ट्री वाला,
क्योंकि उन्हीं बंदों ने कमा के उनको दिया है, वो उनके पार्ट एंड पार्सल है। उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियों में इस तरह के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। वो अपना खुद बता रहा था कि मैं अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहे, मैं दूसरे लोगों को दे रहा हूँ। ये सिल्वर लाइनिंग सर, ये मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी की केमिस्ट्री डिफरेंट है, इसको अपॉर्चुनिटी मिले और थोड़ी सी टैपिंग मिले, थपकी मिले, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं हमारे मार्केट। क्या फ्यूचर आगे बिजनेसेस? मैं बहुत अच्छा फ्यूचर समझ, मेरी अभी मैंने आते आते मेरी एक बंदे से बात हुई, वो एक जीएम है एक टेक्सटाइल का, बंद पड़ी थी 2 महीने से टेक्सटाइल, अभी खोली है। उनका ख्याल था कि हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, वर्कर को फारिग कर देंगे, कहते हमें इतने ऑर्डर मिले हैं कि ईद पे भी छुट्टी नहीं कर रहे, छुट्टी नहीं कर रहे। ऑर्डर किस चीज के? गारमेंट्स के। यूरोप ने इतने ऑर्डर्स दिए हैं, यूरोप ने, यूरोपियन कंट्रीज ने इतने ऑर्डर आ गए हैं, क्योंकि वहां पे जरा कोरोना में डिक्लाइन आना शुरू हो गया ना। देखे ना, अब जहां पे 1000 बंदा मर रहा था इटली और स्पेन के अंदर, अब वहां पे डबल फिगर में आ गए, 60-70-30 बंदों पे आ गए, ठीक है ना, तो वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने फौरी तौर पे ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर बनाना, फिर उनको शिपमेंट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो एक ये 2-3 महीने का पूरा। तो मैं तो ब्राइट देख रहा हूँ, ये एक ठीक है पेंडेमिक आया, थोड़ा सा डिप्रेसिंग टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, लेकिन इससे हमें लर्निंग मिल रही है। हमें देखिए, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर इनोवेशन हुई है, कमाल की इनोवेशन हुई है, वाह, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान में सवाए वेंटिलेटर के तमाम इक्विपमेंट पाकिस्तान में अब बन रहा है। हम जो एक गाउन लेते थे ना, पीपी जिसे कहते हैं, हाँ, वो जो डॉक्टर पहनते हैं, पैरामेडिक्स पहनते हैं सारे, वो 16-17 सौ रुपये का आता था और एक दफ़ा इस्तेमाल करके फारिग हो जाता था। हमारे मुल्क के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वही पीपी बनाई है, वो उनको कितने में दे रहे हैं, वो $60 का आता था इम्पोर्टेड, ये 1500 रुपये में दे रहे हैं, और वो 10 दफ़ा आप रीयूज़ कर सकते हैं, वॉशेबल। तो 100-125 सौ रुपये का पड़ता है एक ये सैनिटाइजर, तो बहुत मामूली सी चीज़ है, मैंने अपने घर में खुद बना लिया सर, ये तो मामूली चीज़ है, ये तो हम खुद, मैंने अपने घर में खुद बनाया है, ये तो कोई ऐसी चीज़, असल चीज़ थी ये इक्विपमेंट आपका शील्ड्स। आप देखें, एक मेरे दोस्त हैं एडसेल वाले मुजाहिद, अजय, हाँ मुजाहिद, उसने 3D प्रिंटर पे शील्ड बनाई है, गॉगल्स बनाए हैं, और इतनी चीप कि आप इम्पोर्टेड शील्ड के बजाय वो 20 शील्ड उनसे ले लें, वो दैट इज़ बेटर देन अदर्स इम्पोर्टेड शील्ड्स। वेंटिलेटर्स का कंपटीशन कराया पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हाँ जी, मैं जी जी उसकी तरफ में आ रहा हूँ। हमारे वो तो ओरिएंट वाले आम, हमारे इंजीनियर 2-2 साल के एक्सपीरियंस वालों ने वेंटिलेटर्स बना के दिखाए, वहाँ पे 33 वेंटिलेटर्स कंपटीशन में गए, उसमें से 13 उन्होंने क्वालिफाई किया, जो उनके शॉर्टलिस्ट हुए, 13 के फर्स्ट लेवल पे ट्रायल किए, उसमें से 5 वेंटिलेटर्स अब क्लिनिकल ट्रायल पे चले गए हैं, जो ड्रैप ने उसे अप्रूव किया। और हमारा जो एक वेंटिलेटर है, आप देखें जब इम्पोर्टेड जो वेंटिलेटर है, वो मिनिमम 25 लाख रुपए की कॉस्ट करता है, 25 से 40-50 लाख तक। ये जो हमारा वेंटिलेटर बनाया है हमारे यहाँ के लोगों ने, वो 1.5 लाख रुपए का है। अच्छा, फिर साथ उन्होंने कनेक्टिविटी दी है, जैसे आप एक कंप्यूटर के साथ 4 कंप्यूटर चला लेते हैं, नेटवर्क कर लेते हैं, इस तरह से उन्होंने कनेक्टिविटी दी है कि एक पेशेंट, एक वेंटिलेटर से आप 7-8 पेशेंट तक आप देख सकते हैं, और उसका टोटल सॉफ्टवेयर भी डेवलप उन्होंने किया कि हर पेशेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है एक वेंटिलेटर के ऊपर, वो उसको खुद मॉनिटर करेगा कि उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी फलां चीज़ चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर, हर चीज़। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन अराउंड पाकिस्तान। आपने इतनी प्यारी पॉजिटिव पिक्चर पेंट किया पाकिस्तान की कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है, सीरियस है, लेकिन हमारा जो हौसला और जो हमारी जो पैशन है वो इससे भी बड़ा है। मुझे अपनी, मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ, मुझे आप जो जो आज का मेरा मेन कोर थीम है वो एजुकेशन है। आप बेसिकली इतने जिंदगी के डेकेड्स आप एजुकेशन में रहे हैं, खुद आपने बोला पढ़ाते रहे, आप शुरू में आपने करियर स्टार्ट टीचिंग से किया था,
सर मुझे ये बताएं इस वक्त करंट सिनेरियो, खासकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एक स्कूल एजुकेशन है, क्या है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया डेट, जिससे बच्चों के उन्होंने ऑनलाइन में भी बड़े क्लासेस भी हुई, बड़ा कुछ हुआ, क्या इस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जो 65% जो एजुकेशन है वो प्राइवेट हैंड्स में, सरकार वैसे ही हाथ उठा चुकी है, क्योंकि ये सरकार का काम था बच्चों को एजुकेशन देना, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज पढ़ाना, अब जो प्राइवेट जो एक एंटरप्रेन्योर आए एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर जिनको मैं कहता हूँ, सर क्या ये समझते हैं कि इस क्राइसिस से निपट सकेंगे, क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स, उनकी टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जहाज अपनी आवाज़ आगे पहुँचाओ, हमने एक बकायदे एक ऑफिशियल लेटर बना के रोटेट कर रहे हैं, साइन करा रहे हैं कि भाई अपने टीचर्स को बचाओ, अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी वो भूखे मर जाएंगे, और लाखों खवातीन है इसमें नाजिया, इसमें 80% जो फीमेल टीचर्स हैं वो फीमेल हैं और उनको भी तक अप्रैल की सैलरी नहीं मिली, तो सर ये चैलेंज है, ये सिनेरियो है, आप सोचते हैं इस सिनेरियो से कैसे निकला जाएगा, प्राइवेट लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे, या बाहर की जो एनजीओज हैं वो क्या इसमें हमारी हेल्प करेंगे? अब ये वाकई एजुकेशन सेक्टर ना एक बड़ा बर्निंग इशू बन चुका है इस वक्त, और एजुकेशन सेक्टर इज वेरी वेरी इन डीप प्रॉब्लम, वेरी वेरी इन डीप हॉट वाटर। लेकिन देखिए ये चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया कि खुदा ना करे इसकी सेकंड वेव आए, अगर तो इसी फर्स्ट वेव में निकल गया तो अगले 4 से 6 माह में ये पूरा सेक्टर संभल जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, हाँ रिवाइव हो जाएगा, ये मेरी गट फीलिंग है और आई एम वेरी कमिटेड इन ऑन। रीज़न, पिछले 10 साल में हमारा जो पेरेंट है, जो हमारा सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, उसने सबसे ज़्यादा जो अपनी तवज्जो दी है वो अपने लव वंस की एजुकेशन पे दी, अपने मीन से ज़्यादा उसने उन पर इन्वेस्ट किया। मसलन अगर एक घर का बजट 50,000 है ना, तो उसका जो तकरीबन कोई 40% से 50% जो बजट है वो उनके बच्चों की एजुकेशन पे वो दे रहा है, वेरी ट्रू, ये कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनमें एक अवेयरनेस आ गया। अगर आप लिटरेसी रेट देखें, आप जाके इवन जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है, राजनपुर है और इस तरह के हैं, तो आपको वहाँ पे भी 70-80% का लिटरेसी रेट मिलेगा इसके लिए। और कई हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जैसे ये हसन अब्दाल वगैरह, अटक वगैरह, सियालकोट वगैरह, इसमें 80+ में आपको मिलेगा, 80-90 के करीब लिटरेसी रेट। हाँ, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हाँ वो गांव में रह रहा है, वो कस्बे में रह रहा है, वो शहर में रह रहा है, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है जो उसको नहीं मिल सकी थी, और अपने मीन से ज़्यादा, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे डिप्राइव रहे हैं। उसे पता है कि मैंने आज अगर बच्चों पे से हाथ उठा ले तो ये अपनी सोसाइटी से निकल जाएंगे, वो खा कुछ भी करे, अपनी खेत बेचे, अपने कर्जा ले। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ अपनी हिस्ट्री की। हमें जब वाइस चांसलर की मीटिंग हुई इस लॉकडाउन से पहले, तो उन्होंने हमें एक इंडिकेशन दी कि हो सकता है हमें यूनिवर्सिटियाँ बंद करनी पड़े, तो आप अपने ऑल्टरनेटिव्स पे ज़रा चले जाएं, मतलब रेडीनेस लेवल पे आए। हाँ अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी, आपको मालूम है कि हमने हमेशा क्वालिटी पे और इनोवेशन पे तवज्जो दी है, और हमने आज से 12 साल पहले अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया था, LMS हमारा बना हुआ था, 12 साल से हम उस पर अप्लाई कर रहे थे उसको, हमारे तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, एक्टिव था 12 साल से, एक्टिव था पिछले 12 साल से, 2008 से हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक। तो हमें जैसे ही मौका पता चला और हमने फौरी तौर पे शिफ्ट किया, अपने नहीं शिफ्ट नहीं किया, हमने टीचर्स की ट्रेनिंग की कि अगर आपको ऑनलाइन, हाँ अगर आपको ऑनलाइन जाना पड़े तो कैसे करोगे, कोविड से पहले, ये कोविड से जब भी अभी गवर्नमेंट अभी हाँ पूरा करना है उसका बड़ा बहुत बड़ा सेशन, हमने तमाम फैकल्टी को बुलाया, एडवाइज़र, ये वो सारी चीज़ें बड़ी उस पर डिस्कशन हुई, उसके तो मैंने इसको हेड किया था, सब लोगों को हमने मौका दिया कि आप अपनी बताएं, कुछ तजावीज़ दिए, कुछ ने नेगेटिव भी बोला, कुछ ने पॉजिटिव भी बोला ओवरऑल, लेकिन हमने कहा हमने अपने फ्यूचर को बचाना है, फ्यूचर कौन है, हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट, जिसने भाई कल को हमारी रिप्लाई, अब हम 50-55 साल के हो गए हैं, कल को उसने हमारे पास बैठना आके
अगर हम आज उसको डिप्राइव कर देंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नेशन ही ख़त्म हो जाएगी सर। हमने उसको सेव करना है हर सूरत में, ये हमारा चैलेंज है और हमारी कमिटमेंट है। तो उस पर हमारे सारे लोग तैयार है। हमने उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग की, 2 दिन की ट्रेनिंग की, अगले दिन अनाउंसमेंट आ गई कि जी भाई ये मंडे से सब कुछ बंद हो रहा है। ठीक है, तो हमने हमारे यूनिवर्सिटी में जो अभी प्रोग्राम चल रहा था हमारे स्टूडेंट्स के, 4 वीक हो चुके थे फिजिकल क्लासेस होने, हमने 1 घंटा भी डिले नहीं किया, वही टाइम टेबल हमने उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया। इस वक्त हमारे यहाँ स्टूडेंट तकरीबन 25,000 स्टूडेंट में से 23,000 ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं। रेगुलर असाइनमेंट हो रही है उनकी, रेगुलर इसके लिए हमारी 23,000 आउट ऑफ 25,000 जो 2,000 स्टूडेंट्स वो हैं जो फाटा से बिलोंग कर, जिसको हमने स्पेशल यहाँ पे एडमिशन दिए थे, कोई फाटा से था, कोई पंजगूर से था, बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरिया, कुछ पाकिस्तान के पंजाब के अंदर भी ऐसे एरिया थे जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, वो डिप्राइव्ड हैं। लेकिन उनके लिए हमने कहा था कोई मत नहीं, जैसे हालात होंगे आपके लिए हम स्पेशल सेमेस्टर अरेंज करेंगे और आपको हम उससे वो पीछे नहीं रहने देंगे इसके लिए। अब देखें, आज भी हमारी मीटिंग हुई, मैं अभी वहीं से आ रहा था हमारे डीन्स के साथ, दूसरे हमारे हेड्स के साथ, हमने उनसे यही कहा कि हमारा और वी आर लकी कि हमने अपने बच्चों का पूरा 1 साल बचा लिया। और फिर भी हुए सब चीज़ें हो रही हैं, असाइनमेंट अभी भी हो रही हैं, अभी हमारे 13 वीक कम्प्लीट हो जाएंगे। हमारे सारे ट्रांजिशन में कोई चैलेंज क्या आया आपको? जी देखें, सबसे पहले चैलेंज तो ये आया कि हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट था। ओके, ये सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि ऑनलाइन किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं था, ना टीचर्स का था। चलो टीचर, हम ग्रोन अप थे, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी मैनेजमेंट थी, हमारा स्टाफ ने दिन रात काम किया, आईटी वालों ने, हर बंदे ने, उनको ट्रेनिंग भी दी, ये भी दी, साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनको। फिर हमने जूम का लाइसेंस लिया है बाकायदा उसके लिए, ताकि उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना आए, वो अनलिमिटेड उनकी एक्सेस है उसके लिए। तो वो चीज़ें, ये हमारी वाइज यूनिवर्सिटी है जो ये काम किया है। मतलब मैंने कहा किसी और यूनिवर्सिटी लेवल नहीं नहीं है। अभी देखें, एचईसी के चेयरमैन ने सब यूनिवर्सिटी को कहा कि 31 मई से आप ऑनलाइन करें, आप डिप्राइव ना करें स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब एकेडमिक ईयर पूरा ख़त्म हो जाएगा जनाब आपका, जो लोग नहीं गए इसके ऊपर। तो हमने उनको पहले हमारे स्टूडेंट आप लोगों को एचईसी ने हमें कहा कि आप करें, आप अपने एसओपी बनाएं, मतलब कोई टेक्निकल सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं किया, क्योंकि यही सपोर्ट है ना, हाल ही हमें सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट है, सरमन पे ही काम चल रहा है अभी सारे चीज़ें। लेकिन हमने खुद अपनी चीज़ों को एसओपी डेवलप किए, क्वालिटी को एड्रेस किया इसके अंदर। इस वक्त जो भी एक्टिविटीज थी, हमने एकेडमिक काउंसिल हुई हमारी, बसर्स हुई, उसमें पीएचडी के थीसिस हुए, पीएचडी को भी अवार्ड किया, 2 पीएचडी अवार्ड किए हैं हमने ऑनलाइन, हाँ उसमें कोविड के अंदर, एमफिल के भी हमने चीज़ें की। तो हमने कोई चीज़ एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने उसको फेस किया, चैलेंज को किया, हमने किसको डिसआर्म करना है, जो मैंने पहले बताया, देखे हमने एनिमी को डिसआर्म करना है, हमने उसको उसके पीछे उसके नीचे नहीं लगना, हमने उसको उसी तरह अंदाज में चलना है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। सर एक चैलेंज और है, जो चैलेंज था ना आपने जो बात की, सबसे बड़ा वो था स्टूडेंट्स का रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स के हॉस्टल खाली करवा लिए गवर्नमेंट का, खाली हुआ, अब हमारे पास तकरीबन कोई 8,000 स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था, 8,000 वो रातों रात उनका जी भाग जाओ, उनको छोड़ दो, सब चीज़ें कर दो, पुलिस आ रही है, ये आ रही है, चेक कर रही है, घरों पे जाए, लोग ट्रैवल करके कहाँ कहाँ गए। लेकिन हमने उनको मोटिव किया, हमने कहा देखो बेटा, आज आपने ये छोड़ दिया तो आपका ये पूरा साल डैमेज हो जाएगा, आपके पेरेंट्स की जो एस्पिरेशंस हैं ख़त्म हो जाएंगी कल, और अगर आप इसमें से निकल गए तो आप फाते बन के निकलोगे, आप अपने आप को ऑनर्ड फील करोगे इस माशरे के अंदर कि जो आपसे लोग पीछे रह गए हैं। सर मुझे एक सवाल बताएं कि जैसे ये हिट पड़ी है, अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो जो बच्चों की, क्योंकि आपका सारा जो कैश फ्लो है किसी भी इदारे का, बिजनेस का जो मॉडल होता है, चाहे वो सोशल बिजनेस हो या कमर्शियल बिजनेस हो,
वो उसकी कैश फ्लो उसकी रिसीवेबल्स में उसका बैकबोन है। अब उसके ऊपर क्या चैलेंज आया, गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को भी कुछ स्पेशल पैकेज दिया और क्या सपोर्ट दी, क्योंकि आपने आगे सैलरीज पे करनी, फिर जॉबलेसनेस, टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती, प्रोफेसर इतने इतने एक्सपेंसिव, आपके पास एक फैकल्टी है तो उनको आपने मंथली पैसे देने, इधर से आ नहीं रहे, आगे पे करने हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज दिस क्राइसिस? देखिए ये आपने बहुत ही एक ऐसा सवाल किया है जो इस सारे हमारे जितने भी मोटिव्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, सर्वाइवल का। हमारी तो गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, प्राइवेट इदारा है, उसकी मेन रिसीट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं, हमारा क्योंकि ट्रस्ट है, हमारे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, जो आता है उनकी फलाह बहबूद पे खर्च कर देते हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें स्टाफ भी है, उसके इक्विपमेंट भी है, उसकी ग्रोथ भी है, उसके नई बिल्डिंग भी हैं, नई लाइब्रेरीज भी हैं, इसी पे खर्च कर देते हैं, अलहमदिल्ला कर रहे हैं, दिल खोल के करते हैं। स्कॉलरशिप भी है, बेशुमार स्कॉलरशिप हमने दे रहे हैं, तकरीबन पिछले 2.5-3 साल मैंने 5 बिलियन के स्कॉलरशिप दिए हैं। तो अभी जो हमारा करंट सिनेरियो है वो उतने जितने आने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन हो गया एकदम, तो अभी मार्च में हमारा होता था कि मार्च क्वार्टर में आ रही होती थी फीसें, वो हमारा नहीं हुआ। आपने जो बात की गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ने हाँ स्टेट बैंक ने पॉलिसी दी है 3 मंथ्स की सैलरीज का, अगर उसकी 2 शर्तें, एक के आप ले ऑफ नहीं करेंगे अपना स्टाफ, दूसरे सैलरी कट नहीं लगाओ, अगर ये आप फुलफिल करते हैं तो हम 2-3% पे आपको ये दे देते हैं, थ्री मंथ्स का, और उसको आपने अगले 1 साल तक पे करना है। दूसरी चीज़ है, अगर ये पीरियड प्रोलॉन्ग होता है तो एक्सटेंड हो जाएगी, वो भी तो मज़ीद 3 महीने का मिल जाएगा। अभी तक तो हमने अपनी तमाम टीचर्स को स्टाफ जी हमने उसको अप्लाई कर दिया, नहीं अभी फंड नहीं मिले, हमने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन प्रोसेस में। यू आर पॉजिटिव, हमें बैंक ने भी पॉजिटिव कहा और वहाँ पे भी हुआ कि वो आपको देंगे, और कुछ यूनिवर्सिटी ने अवेल भी कर लिया, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अवेल भी कर लिया, और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है इसके लिए, और मैं इसमें इस गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ उस इनिशिएटिव पे कि इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव से बहुत चीज़ों को सेव कर लिया। हम नहीं कर सकते थे अल्टीमेटली, फिर क्या होना था, कट्स होने थे, ले ऑफ होना था, ये हो भी रहा है, काफ़ी लोगों ने कर भी दिया, तो फिलहाल हमने इस चीज़ को इस तरह से हमने एक एस्टोरिटी कमेटी बनाई है और उसके अंदर हमने देखा कि हम किन किन एरियाज़ के अंदर हम अपने आप को फर्दर सेविंग कर सकते हैं, तो वो आजकल हमारी मीटिंग चल रही है, वो 2-4 दिन के अंदर हम उसको एक प्लान वो भी करेंगे। शाम को एक जो इन्फ्लोज आ रहे थे, जो बच्चे आपने कहा मेन आपकी रिसीट्स आती हैं, अब उनके पेरेंट्स, अब किसी का बिजनेस तबाह हो गया या कुछ हो गया, दे आर अनेबल टू पे द फीस, अब उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाई है कि वो भी उसमें भी हम किसकी डिजर्विंग की हेल्प करें या इधर HSC आपको हेल्प करें, ताकि वो जो बच्चे का साल जो है ना पढ़ाई की पैसों की वजह जाए ना। हमने देखें HSC को भी अप्रोच किया और आपके तवज्जो से गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को सॉफ्ट लोन दे, जैसे बाहर दुनिया में होता है लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लोन दे, इंटरेस्ट फ्री लोन दे, कि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा ले लो भाई, साल की आपकी 50,000 की आदमी है, 1,00,000 की है, वो आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे और जब वो ग्रेजुएट हों उसके बाद वो उसको पे ऑफ कर दे। जैसे ये बड़ा कमाल का पॉइंट है कि हम लोगों को जो एहसास प्रोग्राम के तहत ये जो हम लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन मेरे मैं उसके थोड़ा सा एंटी हूँ, ठीक है, उसके अंदर ही कुछ ऐसा हेड हो कि एक बच्चों को लोन दिया। और दूसरी चीज़ है, अगर गवर्नमेंट इसका पूरा पैकेज बना के ये वर्ल्ड बैंक के पास जाए या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाए या इवन IMF के पास जाए या और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज उनके पास जाए कि हमने अपने इतने लाख बच्चों का फ्यूचर सेव करना है, तो उनके लिए हमने ये लोन स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स हैं, और आप हमें, तो कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी भी इसको डिनाई नहीं करेगी, वो दे देंगे इसके लिए, और ये प्लीज़ आप हमारी आवाज़ बने इसके अंदर। सर इसलिए तो मैं आज आपको बुलाया कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ ये तो हमने HSC तक बात की है, नेशनल से आपकी बात हुई इस सिलसिले में? नहीं, हमने HSC से बात की है,
क्योंकि हमारा रेगुलेटर वो है। तो हमने उनके अभी मीटिंग भी हो रही है और भी होंगी, तो हमने उनसे ये आवाज़ उठाई है कि इन स्टूडेंट्स को सॉफ्ट लोन दें जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, वरना हमने जो एस्टिमेट लगाया है कि शायद 30% स्टूडेंट्स छोड़ दें 30% का मतलब है बहुत बड़ा 25,000 है, हाँ, तो कम से कम 10,000 बंदा 8,000 के करीब छोड़ जाए। जब वो 8,000 छोड़ेगा, हमारा ऑपरेशन तो वहीं पे खड़ा है ना, तो उसका फाइनेंशियल क्रंच और ज़्यादा डीप हो जाएगा उसके लिए, तो वो फिर मैच नहीं कर सकेगा। और वो बच्चे भी दोबारा उस मेन, हाँ, बच्चों का फ्यूचर भी एट स्टेक चला जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है वो, इसके बाद में आता हूँ। तो सर मुझे आगे बताइए कि इस सिलसिले में मीडिया और ख़ासकर ये जो हमारे जो आपने बोला HEC, तो एक आपका रेगुलेटर है, क्योंकि आवाज़ जो आपने, हम भी आवाज़ बन रहे हैं आपकी, मीडिया के ऊपर मैंने आज तक की डेट में स्टूडेंट लोन्स के ऊपर कोई एक प्रोग्राम नहीं देखा। मीडिया के ऊपर क्यों ये आवाज़ नहीं आ रही कि बच्चों को, मुस्तकबिल को बचाओ यार, सारे दूसरे के सूबाई और फेडरल गवर्नमेंटों के आपस में एक लड़ाइयाँ कर रहे हैं। देखिए तो मैं लड़ाई हो रही है यार भाई, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। हमारे अपने मुल्क के, अपने हमारे जैसे मुल्क थे, हमसे बहुत पीछे थे 80s के अंदर, टर्की और मलेशिया, ठीक है। आप यकीन करें, मैं इसका आई विटनेस हूँ। जनरल केनान एवर 1982 में पाकिस्तान आए थे, टर्की के प्रेसिडेंट, उसे जनरल ज़ियालक थे, तो उनके इस्तकबाली दिया गया था शालमार गार्डन में। तो उस ज़माने में होता था कि स्कूल के कॉलेज के बच्चों को ले जाते, जिन्हें पकड़ा देते, हम लेकर, तो हमें भी, हम उस FC कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से वो ले गए हमें। तो जनरल केनान एवरन वो टर्किश लैंग्वेज में बोल रहा था और एक इंटरप्रेटर साथ था, वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता था। तो उसने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए रोल मॉडल है, हाँ, और हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रदर है। सुन रहे ना भैया? अच्छा, उसने उसकी क्या कहा कि क्यों है? उसने कहा जी देखे, पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट, जो उस वक्त मुझे इतना वो नहीं था, जाहिर है कि बचपना था, नौजवानपन था और मैं अभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $4 बिलियन है, हमें तो उस वक्त बिलियन का भी नहीं पता होता था, ये बिलियन डॉलर क्या चीज़ है ये वो। तो कहते पाकिस्तान की $4 बिलियन है और हमारी $3 बिलियन है, ये ऐसे करके कहा, $4 बिलियन हमारी $3 बिलियन। तो $1 बिलियन का 80s के अंदर बहुत बड़ा गैप था, और सेम मलेशिया इससे भी कम था। उन्होंने एक काम किया इस चीज़ को वहाँ तक ले जाने में। आज टर्की मलेशिया दोनों के $200 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है, और पाकिस्तान की अभी $20 बिलियन होगी, $20 बिलियन है, 22 होगी, चलो 24 कर लो। तो वो जो वो कहाँ चले गए, हम कहाँ चले, उसका एक रीज़न थी जो मैं आपकी उस तरफ आ रहा हूँ, वो था उन्होंने इन्वेस्ट किया एजुकेशन पे, अपने फ्यूचर पे। उन्होंने अपना बजट का 20% जो एजुकेशन था, एजुकेशन का अपना बजट का एजुकेशन पे खर्च किया, और अभी तक कर रहे हैं फॉर मैनी डेकेड्स, जिसका ये रिजल्ट उनके सामने आ गया। सर मौजूदा हुकूमत ने बिटर सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये टेम्प्रेरी मेजर ले लिया स्टेट बैंक से पैसे, उन्होंने कहा चलो 3% में दे दें, लेकिन जो ये गवर्नमेंट थी हमारी PTI की जब आए थे, हमने भी इनको वोट किया। सर मुझे ये बताएं, ये तो एक बकायदा तौर पे एक मैंडेट लेके आते हैं एजुकेशन इमरजेंसी का, कि वी आर जस्ट इम्पोजिंग, शफकत महमूद और ये सारे इनके ट्वीट, इस वक्त मिनिस्टर भी हैं हमारे फेडरल, ये एक एजुकेशन इमरजेंसी कहाँ गई, आपको कभी नजर आई 2 सालों में? कोई चीज़ भी नहीं आई, इनके जो मेन स्लोगन थे उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कर ही नहीं सके। मसलन हाउसिंग का इनका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था कि हमने 50 लाख घर बनाने, एक अगर वो शुरू करते तो एक रेवोल्यूशन आ जाता, ठीक है, नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी हमने 50 लाख मुलाजमतें क्रिएट करनी है, वो भी नहीं हुआ, ये उल्टा है सर। हाँ जी, फिर एजुकेशन, क्योंकि इमरान खान करेक्टर भी था और एजुकेशन भी था, क्योंकि इसने नमल बनाई, और फिर बेडफोर्ड शायद यूनिवर्सिटी का ये चांसलर भी था, तो ही नोज द एजुकेशन सिस्टम एज वेल, और इसने बैठक स्कूल भी शुरू किए थे। तो हमें सबको, हुकूमत को, नहीं सर, इसके अंदर जो बॉटल नेक्स हैं, अभी हमारे गवर्नर साहब जो कि वाइस चांसलर होते हैं तमाम यूनिवर्सिटियों के,
वो रो रहे थे पिछले 2 दिन पहले की बात है कि पानी जो इस मुल्क में सबसे बड़ी बेसिक जो ब्लेसिंग है वो लोगों को ना, 80% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता इस मुल्क। तो पहले वो कंपनी बनी थी ना साफ पानी पीने वाली, 4 अरब, वो जो ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी रुकावटें डाली, वो 4 अरब रुपए वो हड़प कर गए उस वो साफ पानी वाली कंपनी, और एक बूंद नहीं दे सके। ठीक है, तो मैं देखे तो एजुकेशन के ऊपर उनका क्या स्टांस है जो हमारे हमारी सरकार मौजूदा सरकार, वो आप सबके सामने है, वो कुछ नहीं है। 50% तो सर आगे कट लग रहा है क्योंकि सर हाँ वो लग रहा है, वो सारा कोरोना का नजर हो गया ना सारे, वो कहते हैं मैंने बजट सारे इसके ऊपर लगा दिए हैं, अब उसका भी मैनेजमेंट कैसी है। तो फ्यूचर क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फ्यूचर, मैं पॉजिटिव बताना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने इसको हमारी इकोनॉमी को सर्वाइव करना है, हमारे मुल्क को सर्वाइव करना है, सबसे पहले आपको जो अपना डिस्काउंट रेट है बैंक का वो कम करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट वो भी तो उन्होंने 8 पे ले आए, 8 पे नहीं, इनको 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 6 पे लाना पड़ेगा। अभी 200 पॉइंट्स और नीचे आएंगे, 200 पॉइंट 6 पे लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, इन्हें बिजली की कीमतें कम करनी पड़ेगी। आईपीपीसी ने तो हेल्प कर, अब ऑयल की कीमतें भी कम हो गई हैं, एलएनजी की भी कीमतें होंगी, उसका इम्पैक्ट देना पड़ेगा, नहीं दे रहे। ठीक है, तीसरी चीज, हमारी इकॉनमी को 2 लोग सरवाइव कर सकते हैं, बल्कि टर्न अराउंड कर सकते हैं। नंबर 1 हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर के 50 लाख घर भूल जाएं, ये नया पाकिस्तान की इनको 5% पे हाउसिंग के लिए फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल 5% जो मॉर्गेजेस हैं, मॉर्गेज 5% पे लाएं, ताकि आपका हाउसिंग का सारा रिवाइवल हो। हाउसिंग के साथ आपकी 40 इंडस्ट्रियाँ खड़ी हो जाएंगी और आपको ऑटोमेटिकली बेशुमार जॉब्स क्रिएट होंगे, साइकिल चल पड़ेगा। नंबर 2 हमारा एग्रीकल्चर, हमारी सर्वाइवल एग्रीकल्चर से है भाई, अभी भी जो हम सेव हो गए हैं, हमारे दाना पानी हम अपना मुल्क दे रहा है आपको, उन किसानों को 3% पे अगले 2 साल के लिए लोन दें, 3% पे, बहुत एक्सपेंसिव लोन है, नहीं ये बहुत बहुत ही वो डाउन 3% पे, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखें रिवाइवल करना है ना आपने, देखें इस वक्त गेम है आपकी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, भाई आपको जिंदा रहेंगे तो कुछ कर देंगे ना, आपको टैक्स देंगे या कुछ और देंगे, कर देंगे, मरने से मौत आएगी आपको, तो आपको 3% पे हमारे जो काश्तकार है उसको आप फाइनेंसिंग दें, वो अपना ट्रैक्टर खरीदे, अपना सीड खरीदे, अपनी खाद खरीदे, अपनी ज़मीनें ठीक करे, अपने मामला ठीक करे, आपका गल्ले का ये घर बन जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे आप। दूसरी चीज़ एसएमईज, भाई एसएमईज को भी 3% पे दें फाइनेंसिंग, ये छोटे छोटे एक एक कमरे के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है भाई आपकी, आप उन्हें 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख के लोन दें, आप देखें वो खड़े हो जाएंगे, और वो लोन आपका वापस भी करेंगे। बड़े लोग लोन खा जाते हैं भाई एजाज भाई, कि छोटा बंदा नहीं खाएगा लोन, बहुत एग्जांपल है 99% रिकवरी रिकवरी है, तो आप उनको वो दें, आप ये मैयर लेंगे। सर हमारे पास बैठी है नाजिया, तो, एक खातून होने के नाते वुमन की पार्टिसिपेट, नाजिया आप कोशिश करिए। हाँ, फिर पहले तो आप ये बताइए कि आउट ऑफ दीज 23,000 स्टूडेंट्स हाउ मेनी आर फीमेल्स। देखिए हमारा जो जेंडर रेशियो है ना हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 40-60 की है। अच्छा, हाँ काफ़ी बड़ी तादाद है, 40 इज फीमेल, 60 इज मेल, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी फीमेल है, जैसे हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम है, साइकोलॉजी का प्रोग्राम है, एजुकेशन है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हार्ड एरियाज थे ना, हार्ड प्रोग्राम्स जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट, अब इसमें बहुत फीमेल आ रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, तो इट्स ए वेरी इनक्रेजिंग ट्रेंड। अच्छा, व्हाट अबाउट योर जो आपके टीचर्स और आपका एडमिन स्टाफ है, हाउ मेनी परसेंट इज फीमेल? इसमें भी तकरीबन 30-70 की रेशियो है हमारे पास, 30-70 की है। और ये कब, इन कुछ इन सालों में रेशियो ज़्यादा बढ़ी है फीमेल्स की? ये पिछले 5 साल में। अच्छा, इसी तरह हमारी फैकल्टी के अंदर कुछ फैकल्टी ऐसी है हमारी जिसमें के तकरीबन 70% फीमेल है, फैकल्टी में 70% फीमेल है। ओके, और बड़ी मेरिटोरी हमारे, क्योंकि सिलेक्शन, क्योंकि हमारा कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं पॉलिटिकल कि इसको रख लो उसको ना रखो, तो हमारे जो बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड है, एम्पावर्ड हैं डीन वगैरह,
वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी अपनी सेलेक्ट करते हैं जो भी आते हैं। तो इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होता, चिट आ जाती है? नहीं नहीं, कोई चिट शिट का नहीं यहाँ पे, कोई कोई चीज नहीं, कोई नहीं नहीं। ये इजाज़ भी भेजेगा ना, एक तो ये भेजेगा ये बंदा मेरिटोरियस है, क्योंकि आई नो है, ठीक है। अच्छा, वो भी एक ब्लेसिंग होती है, किसी को अच्छा बंदा, किसी को अच्छी लोग भेजो, ये भी एक, ये भी एक ब्लेसिंग भी होती है। और वो एक जिम्मेदार बंदा जाल के पकड़ेंगे लोग फिर आगे। तो देखिए ये चीज हम उनको कदर करते, लेकिन उस प्रोसेस में जरूर डालते हैं। आपको हमने ये मौका दे दिया, अब आप तो डिसार्म करो, वो जो बैठा है ना पैनल उसको डिसार्म करो अपनी कैपेबिलिटी से एंड स्किल से, चले जाता है। अच्छा, इसकी वजह ये है, देखें अगर आप अच्छा क्वालिटी का टीचर नहीं देंगे ना, तो आगे जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, और वो भी एक जनरेशन जी रही है, वो नहीं, वो उनको कैसे एम्पावर्ड करेंगे, कैसे उनको उनकी क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करेंगे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा एक सिस्टम है पूरा। अच्छा, एक और काम किया हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो मैं आपको बता दूँ, बहुत कम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के अंदर, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना 100% ट्रांसपेरेंट है। मसलन हमारा जो असेसमेंट का तरीका होता है कि 60 या 65% सेशन वर्क होता है पूरे सेमेस्टर में, जिसमें क्विज़, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ये चीज़ें चल रही होती है, इसमें मिड टर्म भी है, फिर उसका बाद फाइनल जो 30 या 35% का होता है। अच्छा, ये जितने भी असेसमेंट के टूल हैं ना, ये मार करके हम स्टूडेंट को वापस कर देते हैं, क्विज लिया है 5 नंबर का है तो सबको दे दिया पूरी क्लास, भाई आप शेयर कर लो आपस, आपके साथ कोई इनजस्टिस तो नहीं हुआ, उनकी कोई प्रोजेक्ट हुआ प्रोजेक्ट सबको वापस कर दिया मार करके, मिड टर्म हुए मिड टर्म के पेपर सबको वापस कर दिया, फाइनल हुआ तो फाइनल के पेपर सारे वापस कर दिए, उसके बाद रिजल्ट बनेगा, पहले भाई देख लो आप इसके अंदर कोई डिसिप्लिनसी है तो अपने टीचर भी बैठा है क्लास के अंदर, भाई मैं बैठा हूँ आप चेक कर लें, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक होगी, ह्यूमन एरर की गुंजाइश हो सकती है, टोटलिंग में हो सकती है, कोई चीज़ में हो सकती है, आप कंपेयर करो, मसलन जिसके 30 में से 29 आए और जिसके 20 आए वो आपस में कंपेयर कर भी, मेरे 20 क्यों आए, 29 क्यों आए। सो ये टोटल ट्रांसपेरेंट, इससे क्या हुआ कि हमारा जो फैकल्टी है वो एक तो रिस्पॉन्सिबल होगी और स्टूडेंट्स की नज़र में इज्जत ज़्यादा होगी उसकी, कि इन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, दोनों चीज़ इसके लिए। ये पूरी पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, सर एक नाजिया मेरा काफी क्वेश्चन भी मैं क्लोज करना है, सर ये जो कोविड ने एक टोटल दुनिया को बताया ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया मजाक, जैसे आपने बोला आपके फ्यूचर में, तो फिर ये जो फिजिकल यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियाँ, स्टैनफोर्ड ने भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज कई फ्री फ्री भी हैं, इस सिनेरियो में जो यूनिवर्सिटीज का जो बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल है, तो क्या ये डिसरप्ट नहीं होने जा रहा? देखिए एक बात तो ये इजाज़ भी ऐसा है कि जो फिजिकल लर्निंग है वो ऑनलाइन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, मतलब ये स्टिल ये बात आप कह रहे हैं, ये स्टिल है। बस हम अपने स्टूडेंट से भी अभी मैं मीटिंग करके आया, मैंने उन्हें कहा भी अपने स्टाफ को क्या क्या हेड्स को भी, आप स्टूडेंट से सर्वे भी करें कि एक कंपैरिजन दें, जो आपने फिजिकल पढ़ी चीज़ें और अब ऑनलाइन पढ़ी तो उसके अंदर आप उसके नॉलेज में क्या फील कर, ठीक है। अभी वो आ जाएगा सर्वे भी, ये करंट हमारे पास आ जाएगा डेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो के लैब्स ओरिएंटेड हैं, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, आपने डिसेक्शन करनी है ऑनलाइन तो डिसेक्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपने कोई केमिकल बनाना है उसके रिएक्शंस करने हैं, इंजीनियरिंग आपने, हाँ आपने इसकी मेजरमेंट करनी है इसकी, वो कैसे करेंगे, वो नहीं हो सकते। हाँ कुछ थ्योरेटिकल, जैसे आपने कहा कि MIT ने भी फ्री किए हुए हैं, हार्वर्ड ने भी किए हैं, वो एक उन्होंने जनरल के स्किल्स के ऊपर, इन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन वो तो तशनगी रहेगी। अभी भी हमने प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन किया था कि इन बच्चों के जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब हम फिजिकली अपनी क्लासेस में आएंगे तो हम इनके लिए 3 वीक का एक रिफ्रेशर कोर्स करेंगे, ताकि इनकी जो कमी रह गई है ऑनलाइन उसको हम ब्रशअप कर सकें, उनको उनके ग्रे एरियाज़ की।
ये इस तरह से मतलब उसकी मेकअप क्लासेस होंगी, लोगों की क्वेरीज होंगी, जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सके वो उनको वहाँ पे बताया जाए। अब साहब एक क्वेश्चन और है, जब आपने ये ऑनलाइन अपना ऑल्दो यू ट्रेंड योर टीचर्स एंड ऑल, आपने बताया कोविड तक आप ट्रेन हो चुके थे, आपके पास दो पार्टीज थी, एक स्टूडेंट्स की और एक टीचर्स की, विच पार्टी वॉज रिलक्टेंट टू चेंज? आपको स्टूडेंट्स ने ज़्यादा टफ टाइम दिया मोटिवेट होकर ऑनलाइन आके पढ़ने में, या टीचर्स ने ज़्यादा टफ टाइम दिया कि नहीं जी हमसे नहीं होता? टीचर्स की तरफ से एक लिटिल बिट एक कुछ एप्रीहेंशन थी उनकी। नंबर वन, टीचर कह रहे थे कि खासतौर फीमेल टीचर्स उनकी तरफ से आई कि जब हम उनको टीच करेंगे ऑनलाइन तो हम वीडियो पे जब जाएंगे तो हो सकता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो पिक्चर्स ले लें, क्लिप्स बना लें, उसको हम यूज़ नेगेटिव। देखें नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग सब जगह चल रही होती है, तो ये इनकी तरफ से आई। तो हमने फिर उनको कहा कि नहीं, इसके अंदर जो हमने जूम पे लेके गए हैं उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप वीडियो ऑफ कर लें तो आपका ये चीज़ें वो वॉइस के ऊपर पढ़ा लें। और वैसे भी हमारे स्टूडेंट इतने इरिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करें अपने टीचर्स के साथ, वो इस तरह की, तो उस पर वो मुतमिन हो गया। अच्छा, स्टूडेंट्स की तरफ भी आई थी, हाँ उनकी तरफ से रिएक्शन भी आया था चंद स्टूडेंट्स की तरफ। ये ऐसे एलिमेंट्स हर जगह होते हैं इसके लिए। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी हमने नहीं पढ़ना, देखें जी हमने इतनी फीस दी हुई है, सबसे बड़ी बात हमने तो फीस दी है कि हमें फिजिकल लाएंगे, और हमने कहा भाई हमने तो नहीं रोका इसको, हम तो आपका फ्यूचर सेव करने के लिए इतने काम कर रहे हैं। दिन रात हमारे लोगों ने काम किया, हमारे आईटी के लोगों ने ट्रेमेंडस जॉब दी, उन्होंने ओवरनाइट हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की इसके लिए। हमने कहा नहीं, स्टूडेंट्स के रिएक्शन, बड़ी ईमेलें भी आई, उन्होंने वो HEC के चेयरमैन तक को गई है ईमेल्स, गवर्नर शवर्नर इधर उधर सबको, लेकिन खुद HEC ने कहा कि नहीं ऑनलाइन करो भाई, पूरी दुनिया चली गई है ऑनलाइन पे। खुद WHO का जो वो डायरेक्टर आता है उसने कहा कि मेरी अपनी बेटी ऑनलाइन एजुकेशन ले रही है। तो व्हाट एल्स यू वांट? तो डिग्रियां अवार्ड हो रही हैं ऑनलाइन वर्चुअल, हमने की हैं, हमने अभी PhD की दो डिग्रियां दी हैं, अभी हमने तमाम जितनी हमारी स्टेचुटरी बॉडीज की जो मीटिंग्स थी वो हमने एज कैलेंडर के मुताबिक सारी कंडक्ट की है। तो ये इसके ब्लेसिंग भी हैं इसके लिए, लेकिन इसके अब नए पैराडाइम आएंगे, इसके डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, कुछ चेंज होंगे, हाँ ये चीज़ें बनने जा रहे हैं। मसल इसमें एक और जो चीज़ आई है ना, जैसे आपने मीटिंग करनी है, मतलब आपने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करनी है, आपका स्टाफ इंगेज है, वो पिशावर बैठा है, तो अब ये चीज़ अब हो जाएगी, वो जूम पे ऊपर आपसे कनेक्ट हो जाएगा, एक्सपेंस बचेगा, फिजिकल लोग आने से बचेंगे, आपके ट्रैवलिंग का बच जाएगा, उसमें आप वहीं से बैठ कराची के आपके बोर्ड का बंदा है, आप कराची से उसे ले। अब आप क्या परसेंटेज तो देखते हैं ऑनलाइन और फिजिकल एजुकेशन की? अब एक यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि 20-30% ऑनलाइन करेगी और 70% तक तो वो फिजिकल एजुकेशन करेगी। नहीं, उसमें दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो अब दूसरा, हमारे कुछ टीचर चले जाते हैं ना बाहर, घर पे चले गए अपने में, हम उनको ये ऑप्शन देंगे आप ऑनलाइन वहाँ से पढ़ा लें, ठीक है, स्टूडेंट्स को डिप्राइव ना करें, एबसेंट ना हो, स्टूडेंट्स को भी ये मौका देंगे। बाद का स्टूडेंट कहते हैं मुझे काम हो गया, मैं नहीं आ सकता, मैं ये है वो, हमने कहा अच्छा तुम घर से ही कनेक्ट कर लो उसको, लेकिन अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ और एक और जो, सॉरी मैं आपको, हमारे कुछ इंटरनेशनल टीचर थे, इस कोविड में ये हुआ कि हमने उनको कहा कि जनाब आप ये क्लास ले लें, डॉक्टर बलविंदर सिंह अमृत सर से बैठ के हमारा आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट वालों को पढ़ा, मतलब बाउंड्री लेस हो गया सर। न्यूजीलैंड से एक और हमारे दोस्त हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है, एजबास्टन में बैठा है बंदा, वहां से उसको कहा कि यार ये तू वो क्लासेस ले रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 4-5 इंटरनेशनल टीचर हमारी क्लासेस टीच कर रहे हैं। एक सवाल मेरी तरफ से और है, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में अभी तक सब कुछ पॉजिटिव ही रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नेगेटिविटी आपको कभी स्ट्राइक करती है? और करती है तो क्या टॉपिक स्ट्रेटजी आपकी, जब आपने साइकोलॉजिकल का क्वेश्चन रोका था, इस वक्त बहुत होपलेसनेस है लोगों के कारोबार बिजनेसेस और इवन हर जगह हिट आई है, तो इसकी जो साइकोलॉजिकल जो रिपरकशन आई हैं, इसकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज के पर्सनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। इजाज़ भाई, हमारी जो कॉम है ना वो बड़ी जल्दी इन चीज़ों को कोप कर लेती है, कोप कर
अच्छा, अब उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अभी दो दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ है ना, अब मार्केटें देख रहे आपको वहां पे नजर आता है कोरोना, पीपल आर हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो दो महीने बांध के रखा तो फिर भूल गए ना, दो महीने को भूल गए तो अभी तो दो महीने को भूल गए ना, तो क्यों आए मार्केटों में, क्यों लगे हुए भाई। मैं चंद दिन पहले एमएम आलम रोड पे गया, आई टुक 30 मिनट फ्रॉम हुसैन चौक टू मिनी मार्केट चौक। लोग भूल गए, भूल जाएंगे बड़ी जल्दी, और कई कई वाक्य, बड़े बड़े वाक्य भूल जाएंगे ना सर। अभी मॉल्टन का वाक्य हुआ, 14 बंदों को मार दिया था, उसको भूल गए हमारे। तो ऐसा आप होपलेस ना करें, बी पॉजिटिव। हाँ, फायर पे जाएं, ये जाएं, आपको वहां पे ना तो गुर्बत नजर आएगी, अगर रेस्टोरेंट खोल के तो वहां बैठने की जगह सर नहीं मिलेगी। आप खोल लें आज, आप देखिए इफ्तारियों की लाइन लग जाएंगे, 50 तो इनविटेशन आपको आ जाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। आखिर में एक मैसेज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी नौजवान नस्ल है या यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि वो उनके लिए क्या एक रेसिपी है कि वो आप उनको देना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ उम्मीद, ऑप्टिमिज्म। देखें जी, वो ना एक रोल मॉडल बनाए अपना। हमारा मुसलमान का जो रोल मॉडल है ना, वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सुभान अल्लाह। हर बंदा, हर जो मुस्लिम है, बल्कि बेशुमार गैर मुस्लिम भी उनको रोल मॉडल करते हैं। क्यों करते हैं? कि नबूवत से पहले उनको सादिक और अमीन कहा जाता था। अभी वो पैगंबर नहीं बने थे, उनको सादिक और अमीन कहा जाता था। तो मेरा भी मैसेज नई नस्ल के लिए है कि वो अपने अंदर भी ऐसी ही सलाहियतें पैदा करें, ऐसे ही ये अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करें, ऐसे ही वो अपने अंदर ट्रेड्स पैदा करें। अगर एक ट्रेड पूछूं, एक स्किल पूछूं आज के सेशन में, क्या याद अगर ये कर लें, मैं गारंटी देता हूं कि ये हमारी नई नस्ल लगने वाले दिनों में बच्चा, खासकर यूथ, ये सरवाइव करेगी। अदरवाइज मैं बच्चों को बड़ा डिप्रेस देख रहा हूं। नहीं नहीं, कोई डिप्रेस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नो डिप्रेशन एट ऑल। उनके पास एक मैं मैसेज इसके साथ देना चाहता हूँ, अगर वो करना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी जी, वो ये है कि बी ऑनेस्ट अपने आप के साथ। जब वो अपने साथ ऑनेस्ट होगा, तो बाकी वहाँ अपनी सोसाइटी के साथ भी ऑनेस्ट हो जाएंगे। उन्हें पता है कि मैं ऑनेस्टी से काम करूँगा तो अच्छा तालेब इल्म बनूंगा। शॉर्टकट्स नहीं, नो शॉर्टकट्स, ऑनेस्टी फर्स्ट। वो अपने ऑनेस्टी होगी तो जस्टिस आएगी उनके अंदर, उनके अंदर एनर्जी आएगी, और उनको पता है कि मैंने किसी के साथ दगा नहीं देना, धोखा नहीं देना, मैं ऑनेस्ट हूँ, और ऑनेस्टी जो है ना उसका कोई नेबल बदल नहीं। बाकी चीज़ें एक तरफ, ऑनेस्ट एक लफ्ज़ तो एक है ऑनेस्ट, लेकिन इसका पैराडाइम बहुत बड़ा है, ये आपको एलिवेट कर देता है। टोटल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ये, ये जो ऑनेस्ट हो जाने से, अपराइट हो जाने से, अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने साथ से, अपने माशरे से, अपनी किताबों से, अपने स्किल से, अपनी फ्यूचर से ऑनेस्ट नहीं बनोगे तो क्या बनोगे फिर? कहते ना नबी वसल्लम के पास एक शख्स आया ना, कहता जी मेरा रिज़्क में कमी है, बीमार हूँ, क्या करूँ? तो आपने कहा तुम ना सच बोला करो। उन्होंने कहा जी कि मेरी, मैंने सवाल तो किया था रोजगार का, मुझे सच बोलने पर लगा रहे हैं, तो क्या वजह? उन्होंने कहा जी कि जब सच बोलोगे तो तुम्हारे रिज़्क पे, तुम्हारी नौकरी पे, तुम्हारे काम पे, तुम्हारी सेहत पे बरकत। और बस आपने तो कूदे, ये तो पक्का लेसन है, ये बरकत का कॉन्सेप्ट है, बस वो है ही ऑनेस्टी है। और अगर मैं कंक्लूड करूँ आज की गुफ्तगू, तो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें सर जी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आ जाएं, एक ईमान और एक इम्यून, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिसका ईमान स्ट्रांग है, और ईमान इम्यून को स्ट्रांग करता है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करता है। अगर दोनों स्ट्रांग है तो फिर आप मेंटली भी स्ट्रांग है, नहीं तो स्ट्रांगली मेंटल है।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारी मैनेजमेंट हाउस योग क्लब और ये आप शेरवानी के पेज पे भी देख सकते हैं, इसका फाइनल वर्जन जो होगा इंशाल्लाह कल आप वहां देखिएगा डिटेल में सुकून से एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सर जाते जाते कोई इकबाल, कोई फैज, कोई गालिब, कोई कोई पोइट्री, कोई पीस ऑफ लिटरेचर, आप माशाल्लाह अदब के भी शौक रखते हैं। वो ना मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना दूं अपनी जिंदगी का, कि बचपन में मैं फोर्थ क्लास में था, फिफ्थ क्लास में था, तो मुझे मेरे एक टीचर ने कहा स्कूल में मुशायरा, वो क्लास बदमे अदब की क्लास होती थी जो सारी, तो उन्होंने कहा जी कोई नातिया शेर सुनाओ। तो जब मुझे नातिया शेर कहते ना तो मुझे अब तो पता नहीं भाई नातिया क्या, शेर शेर होता है। तो उसने कहा जी नातिया, मैं कहा जी मैंने वो नातिया एक शेर सुना दिया कि आया था अदीद को बदीद हो गया, तेरा हुस्न देखकर शहीद हो गया, तेरा हुस्न देखकर शहीद हो गया, शहीद हो गया, वाह वाह, ये तो वो कहते मेरे टीचर ने कहा अबे इसमें नातिया कहाँ से आ गया, मैं कहा जी शहीद का लफ्ज नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।